तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास टेंथ के लिए प्रोवाइड किए गए मैथ की रिवीजन वर्कशीट को, जो कि आज की डेट के लिए है, चैप्टर 13 से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कॉमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख कर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, तो कमेंट को चेक कर लेना, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ जो हमें करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर × 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म ए होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर इज, हिंदी में क्वेश्चन देखो, चालीस सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर। कागज़ की एक आयताकार सीट को मोड़कर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक खोखला बेलन बनाया जाता है, बेलन की त्रिज्या सेंटीमीटर में है, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 1, क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक खोखला बेलन बनाया गया, तो ऊँचाई 40 ही रहेगी, ठीक है, मतलब कि 22 सेंटीमीटर को फोल्ड किया जाएगा, तो इस प्रकार से बेलन बनेगा और ये बन जाएगी परिधि, ठीक है, तो लिखेंगे बेलन की परिधि बराबर 22, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 22, फॉर्मूला इधर अप्लाई करो, 2πr = 22 के होगा, 2 पे 2 पाई की वैल्यू 22/7 × r = 22 के। अब ध्यान से देखो, 21 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 22 × r इधर रहेगा, 22 का 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ 22 से 22 कट हो जाएगा, r = 7/2 यानी कि 3.5, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगी आंसर नंबर 1 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर इज, हिंदी में क्वेश्चन देखो, इक्कीस सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का व्यास है, सॉल्यूशन आंसर नंबर 2, आपका राइट आंसर 21 ही रहेगा, क्योंकि एक घन में से जब एक सर्कल, बड़ा से बड़ा सर्कल निकाला जाएगा, जो सर्कल का डायमीटर होगा घन की साइड के इक्वल होगा, कहने का मतलब सारी साइड इसकी 21 है, तो व्यास की बात कर रहा है कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का व्यास, तो व्यास 21 ही होगा, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु की ऊंचाई है, इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर इज, सॉल्यूशन देखो। आंसर 3 दिया, यानी कि गिवन, आर पता है, एल पता है, एच निकाल लेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो, वैल्यू पुट कर दो, 13 का स्क्वायर − 5 का स्क्वायर मिलेगा आपको 12, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द रेडियस ऑफ द बेस एज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट एज 10 सेंटीमीटर इज, हिंदी में, आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सॉल्यूशन आंसर 4 गिवन, यानी कि दिया है, r 7 है h 10 है, TSA ऑफ सिलेंडर निकालना है, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करो, 2π/2 √22/7 r 7 h + r 10 + 7 सॉल्व करोगे, आंसर मिलेगा 748, जो कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या है, इंग्लिश में, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सॉल्यूशन आंसर नंबर 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि इक्वल है वृत्त के क्षेत्रफल के, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल के, दोनों तरफ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पाई से पाई कट गया 2r, r डबल टाइम है, r से r कट गया, r आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन सिक्स, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर हैविंग रेडियस आर इज, यानी कि त्रिज्या आर है तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही लिखना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 pi r square। ठीक है, हिंदी में त्रिज्या आर वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका आंसर 3 pi r square वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक जूस विक्रेता अपने ग्राहकों को गिलास में जूस परोस रहा था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, लेकिन गिलास के नीचे एक अर्धगोलाकार उठा हुआ भाग था जिससे गिलास की क्षमता कम हो गई। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी और वास्तविक क्षमता ज्ञात कीजिए, पाई की जगह 3.14 यूज करना है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। ए जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर बट बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शंस विच रेड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इफ द हाइट ऑफ ए ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर फाइंड द अपेरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यूज पाई इक्वल टू 3.14। आंसर 7 गिवन यानी कि दिया है, एच आपको पता है 10, डी दिया है 5, तो आर हो जाएगा डी बाई 2, 5/2, 2.5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अपेरेंट यानी आभासी के लिए आपको टोटल गिलास बेलन के आकार का है तो बेलन का आयतन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो, पाई की जगह क्वेश्चन में बोला गया 3.14 रखना, रख दो। आर पर आपको पता है 2.5 डबल टाइम, एच आपको पता है 10 रख के सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको आप बोल सकते हो गिलास का आभासी आयतन यानी कि अपेरेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी ये जो अर्धगोला है ये निकालना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको आर पता है, आर सेम रहेगा। ठीक है, पाई पर आपको 3.14 रखना है, सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 32.70 cm³। अब इसे क्यों निकाला गया, आगे इसका काम है इसलिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आभासी की बात कह रहा है कि एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड आउट करना यानी कि वास्तविक क्षमता, कि गिलास की वास्तविक क्षमता क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। तो टोटल हमने जो निकाला आभासी, इसमें से अगर हम ये जो अर्धगोलाकार है इतना माइनस कर देंगे तो उसकी वास्तविक क्षमता यानी एक्चुअल कैपेसिटी का पता चल जाएगा। तो आपने आभासी आयतन क्या निकाला यानी अपेरेंट वॉल्यूम क्या निकाला, यहाँ पर है, और अर्धगोलाकार पार्ट का जो आपने आयतन निकाला है वो क्या है, 32.70 cm³। अब इसमें से माइनस कर देना, माइनस करोगे तो आपको वास्तविक क्षमता यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी का पता चल जाएगा, 163.55 cm³। यही हमको निकालना था, एक तो आभासी निकालना था और दूसरा वास्तविक। ठीक है ना, तो इसके लिए आपका जो गिलास है, गिलास का आयतन ही अपेरेंट यानी कि आभासी वॉल्यूम होगा। आप डायरेक्ट एच आर का पता करके निकाल लो, उसके बाद में जो अर्धगोलाकार ये एरिया है इसका वॉल्यूम निकाल लो, और टोटल आप आभासी यानी अपेरेंट वॉल्यूम में से आप माइनस कर दोगे इसको तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी, वास्तविक क्षमता। ठीक है, क्योंकि इतने में तो कुछ आता नहीं है, ग्लास की साइज ही उतनी है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा वास्तविक। क्लियर है, आंसर नंबर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 cm एंड बेस डायमीटर 24 cm विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 cm एंड रेडियस 8 cm। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 cm³ ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 g यानी ग्राम मास, यूज पाई इक्वल टू 22/7। हिंदी में क्वेश्चन देखो, एक ठोस लोहे के खंभे में 220 cm ऊंचाई और 24 cm आधार व्यास वाला एक सिलेंडर है, जिसके ऊपर 60 cm ऊंचाई और 8 cm त्रिज्या वाला एक अन्य सिलेंडर लगा हुआ है। खंभे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 cm³ लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 g है, पाई की जगह 22/7 यूज करना है। सॉल्यूशन, आंसर नंबर 8, तो सबसे पहले इस प्रकार से डायग्राम होगा। तो सबसे पहले 4 larger cylinder बड़े बेलन के लिए, ध्यान से देखो, H1 मान लेंगे 220 है, ये D है तो R हो जाएगा D/2 यानी व्यास है आधा हो जाएगा 12 आ गया। इसके बाद में 4 smaller cylinder,
जो ऊपर रखा हुआ है छोटा सिलेंडर, उसके लिए छोटे बेलन के लिए H1 मान चुके हो तो H2 मान लो 60 है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्वेश्चन में गिवन है 8 है, R2 मान लेंगे क्योंकि ये R1 माना है तो R2 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा प्रोसेस है, अब हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल फाइंड आउट करना है, यानी कि खंभे का कुल आयतन, इसमें बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन प्लस होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस स्मॉलर सिलेंडर दोनों को हमें प्लस करना है, ओके, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वैल्यू आपको यहाँ से पता है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बड़े बेलन के आयतन के लिए पाई आर वन स्क्वायर एच वन करो, इधर पाई आर टू स्क्वायर एच टू करो, क्योंकि आर वन आर टू एच वन एच टू माने हो अलग अलग, वैल्यू दोनों की रख दोगे। अब इसके बाद में ध्यान से देखो, आपको पाई कॉमन कर लेना है, इसकी वैल्यू रख के अंदर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 35,520, फिर पाई की वैल्यू रख दो 3.14 मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। तो उसके बाद में हम जब टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमको द्रव्यमान निकालना है, यानी कि मास 8 ग्राम के हिसाब से, तो टोटल वॉल्यूम को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ग्राम में आंसर मिल जाएगा। आप चाहो तो यहीं पर आंसर रोक दो, अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से फिर से आपको इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको किलोग्राम में आंसर इस प्रकार से मिल जाएगा, चाहे यहाँ रुको या फिर यहाँ रुको, आपकी मर्जी है, आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिख लो, आंसर नंबर 8 हो जाएगा, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9, एक कैप्सूल एक सिलेंडर के आकार का है जिसके प्रत्येक सिरे पर दो गोलार्ध लगे हैं, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और कैप्सूल का व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर्स स्टक एट ईच ऑफ इट्स एंड्स, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड द सरफेस एरिया। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 9, ध्यान से देखो, ये कैप्सूल है और इसके दोनों तरफ अर्ध गोले हैं, ठीक है। तो गिवन यानी कि दिया है डी, ये डी व्यास दिया है, तो आर निकालेंगे, डी बाई टू 5/2 ढाई आ जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको समझना है, क्योंकि यहीं पर समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। जब ये व्यास था तो इसकी त्रिज्या हो गई कितनी, 2.5, ध्यान रखना, इधर भी सेम व्यास था, त्रिज्या हो गई 2.5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2.5 ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो अगर हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकालें, बेलन की ऊंचाई h, तो बेलन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो 2.5 इधर कम होगा, 2.5 इधर कम होगा, और टोटल कितना है 14, तो वही यहाँ पर लिखा गया 14 - 2.5 +2.5 दोनों तरफ से कम होगा, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई आ गई 9। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जुड़ेगा, प्लस दोनों तरफ दो अर्धगोले हैं, तो दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जुड़ेगा, यहाँ पर वही लिखा गया है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। बेलन के लिए 2πRH, 2 पे 2, अर्धगोले के लिए 2πR², सॉल्व करोगे इस प्रकार आ जाएगा, आगे इसकी वैल्यू रखो, 2 पे 2, पाई का मान 22/7, आर पर आपको रखना है 2.5 और एच कितना है 9, प्लस 4 पे 4 पाई कमांड 22/7, आर पर 2.5 double time, ठीक है। इधर सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 990/7, इधर सॉल्व करोगे तो 550/7, हर बराबर एक बार लिख दो, ऊपर का नंबर प्लस हो जाएगा, मिलेगा 1540/7, डिवाइड करो 220 mm², आंसर मिल जाएगा, आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिख लो, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, इन फिगर 3 ए डेकोरेटिव ब्लॉक इज शोन विच इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स ए क्यूब एंड ए हेमिस्फेयर, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विद एज 6 cm एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2 cm, फाइंड, पहला है ए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, सेकंड बी है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फॉर्म्ड, पाई की जगह 22/7 यूज़ करना है। हिंदी में क्वेश्चन देखो, चित्र में एक सजावटी ब्लॉक दिखाया गया जो ठोस पदार्थों
एक घन और एक गोलार्ध से बना है। ग्लोब का आधार का एक घन है जिसका किनारा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष पर लगे गोलार्ध का व्यास 4.2 है। ज्ञात कीजिए, पहला ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है ब्लॉक का आयतन, पाई की जगह 22/7 यूज करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर 10 गिवन यानी दिया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर 4.2 यानी गोलार्ध का व्यास 4.2, तो त्रिज्या d/2 यानी व्यास बटे 2 कितना आ जाएगा 2.1। ठीक है, 4³ घन के लिए ए यानी साइड यानी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, उसमें से गोलार्ध के आधार का क्षेत्रफल माइनस करेंगे प्लस गोलार्ध का वक्रपृष्ठ जोड़ेंगे, यानी कि TSA इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस होगा प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस होगा। कैसे, एक बार डायग्राम पर फोकस करो। अब ध्यान से देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले घन का कुल पृष्ठीय जो है इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, गोलार्ध का वक्रपृष्ठीय जो गोलार्ध है इसका वक्रपृष्ठ हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। लेकिन ध्यान से समझना, जो गोलार्ध का वक्रपृष्ठ प्लस किया गया है इसमें हम गोलार्ध के आधार का क्षेत्रफल यानी नीचे वाला माइनस भी करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, तो वही यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आगे आ जाओ सॉल्यूशन पर, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, माइनस करके आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर 6/6 क्वेश्चन में वैल्यू देख लो, ए पर ए की वैल्यू रख दो, इस प्रकार लिखोगे। और यहाँ पर ये 2πr² है, इसमें से 1πr² माइनस होगा तो प्लस का निशान लगेगा, πr² बचेगा। अब इसकी आपको वैल्यू रखना है ऊपर से देख के, पाई पे 22/7 r 2.1 है, और सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 229.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब फिर से देखो, सेकंड क्वेश्चन में जो निकालना था इसका सेकंड पार्ट, उसमें आयतन निकालना था। तो आयतन के लिए फिर से एक बार डायग्राम पर फोकस करो, आयतन के लिए घन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस होगा, यानी वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस होगा। ठीक है, डायग्राम पर देखो, तो वॉल्यूम के लिए घन और अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तो आगे यही लिखा गया है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो और वैल्यू रख दो ऊपर से, वैल्यू आपको पता है तो आपको मिल जाएगा 235.404 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी थी, ये बी का आंसर हो जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।